नमस्कार दोस्तों, मन्नत डेयरी फार्मिंग चैनल पर सभी पशुपालक भाइयों का बहुत बहुत वेलकम है। और आज की इस वीडियो में हम कुछ ओरबुलों को कवर करने वाले हैं, क्योंकि हरियाणा से बाहर के जो भाई हैं उनके बार बार कमेंट आते रहते हैं कि HLDB के अलावा और भी बुलों को कवर क्या करें। तो आज की वीडियो में जिस बुलों को हम कवर करने जा रहे हैं वो ULDB यानी कि उत्तराखंड लिव स्टॉक डिपार्टमेंट बोर्ड के बुल हैं। तो इन बुलों को लेकर जिन भाइयों के कमेंट आए थे उन्होंने उत्तराखंड लिव स्टॉक डिपार्टमेंट के जो बुल हैं वहाँ पर पूछा था कि गिर बुलों के बारे में। तो इस वीडियो में आज मैं उत्तराखंड के जो भाई हैं उनको गिर बुलों की पूरी डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले पशुपालक भाइयों से कहना चाहूँगा कि जो भाई चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ आप जो है इंस्टा पर भी मुझे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी पोस्ट करता रहता हूँ। और जिन भाइयों को ये रहता है कि आप अपना नंबर बताएं, तो मैं अपना नंबर जो है वीडियो में आपको दे रहा हूँ, यहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अच्छी अच्छी वीडियो भेज सकते हैं अगर आपके पास अच्छा पशुधन है, और अगर आप चाहें तो इंस्टा पर भी मुझे भेज सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो में गिर बुलों की पूरी डिटेल। तो सबसे पहले चैनल स्क्रीन पर आपको जो बुल दिखाई दे रहा है, इस बुल का नाम है रुस्तम, और इसकी डेट ऑफ बर्थ है 16/3/2016, और इसका जो डैम नंबर है वो भी आप चैनल स्क्रीन पर देख रहे हैं, 3477-60-10-65। तो ये इसका डैम नंबर, और इसका जो सायर है, इसका सायर है सैग का बुल गोंडालियो, सैग का जो बुल है गोंडालियो इसका जो सायर है, और ये डैम लैक्टेशन यार्ड में आपको इसका बता दूँ 3418.55 किलोग्राम, जो कि एक ब्यात का इसकी मदर साइड से जो है मिल्क रिकॉर्ड है। सायर का डैम लैक्टेशन की रिकॉर्ड जो इसमें दी नहीं है, और इसका टैग नंबर है 15। तो जिन भाइयों ने कमेंट किया था गिर के जो है 15 नंबर बुल को लेकर, उसका नाम मैं बता दूँ, उसका नाम है रुस्तम, जो आप चैनल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो अब जान लेते हैं दूसरे बुल के बारे में। दूसरा बुल जो है सैग का गब्बर नाम का बुल है, जो आप चैनल स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस बुल के बारे में बता दूं कि जो गिर नस्ल होती है, गिर नस्ल में जो जिस पर ये स्पेस पे स्पॉट आप देख रहे हैं, जिसे बुल हो चाहे गाय हो, उसकी जो है मार्केट में वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो ये गब्बर बुल है, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 21/4/2016, और डैम्स नंबर है 3477-98-48-08, और इसका जो सायर है वो सैक का मोराली बुल है, और जो ये इसका डैम लैक्टेशन यार्ड है 4216.97 किलोग्राम, शायर का डैम लैक्टेशन रिकॉर्ड इसमें दिया नहीं है, और इस बुल का टैग नंबर है 10। तो दो बुल हो चुके हैं गिर के। अब तीसरे नंबर के बुल के बारे में जान लेते हैं। ये जो तीसरा नंबर बुल आपको दिखाई दे रहा है, इस बुल का नाम है जीवा, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 15/9/2016, डैम्स नंबर है 3478.00-56-87, और जो इसका जो सायर है वो सैग का बुल है 01, जो गिर नस्ल का सैग का बुल है वो इसका शायर है, और जो इसका डैम लैक्टेशन यार्ड है 3437.8 किलोग्राम, शायर का डैम लैक्टेशन रिकॉर्ड दिया नहीं है, और टैग नंबर है इस बुल का 5 नंबर। तो उत्तराखंड लिव स्टॉक डिपार्टमेंट के पास ये तीन ही बुल हैं जो गिर नस्ल के हैं। तो जिन भाइयों के गिर नस्ल की डिटेल चाहिए थी उत्तराखंड में, उनको इनके डिटेल और पूरे रिकॉर्ड आपको मिल गए होंगे। तो आप देख लें आपने किस बुल का सीमन यूज़ किया है और किस बुल का आप आगे करना चाहते हैं, पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी है। तो ये भी कहना चाहूँगा कि जो और भी पशुपालक भाई हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनको भी जो है अच्छे नस्ल का पता लग सके, और वो जो अपनी चाहे गाय हो या भैंस, उनका नस्ल संवर्धन, उनका नस्ल सुधार कर सकें।